कुरान लेक्चर सीरीज का सेशन है इंशाल्लाह, और आज हम डिस्कस करेंगे मौजज़ाते नबवी, मौजज़ाते नबी अंबिया, और उनको समझने के लिए अक्ल का क्या किरदार है। जैसा कि आपको पता है कि कुरान लेक्चर सीरीज पर ये नवा लेक्चर है, इसको हम शुरुआत करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, आइए हमारे जो टॉपिक है जो आप सबको पहले दिया गया था, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मेरिट्स ऑफ प्रॉफिट, उसमें क्वेश्चन है, उसके बाद स्टोरी है छोटी सी, और जो हमने सूरह से की थी सूरह तौहा 20-22 और जो है ना उससे 69 और 70, इसके बाद सूरह इसरा है, इसको आज क्विकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम जाएंगे, ये लेक्चर का रिव्यू है, जो टॉपिक है मोसे की सदाकत में अक्ल का किरदार, देखिए शिया का नुक्ते नजर से हम इसको डिस्कस करेंगे, और जो है ना आचार्य की नुक्ते नजर से भी इसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो है ना दो तीन मिरेकल्स हैं जो मोसे मूसा अलैहिस्सलाम का मोसा है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जैसे कि ऑल अबाउट अक्ल जो है ना, अक्ल ये जो है ना अक्ल की सदाकत से जो है ना मौजे को जानना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि मौजा है क्या, उसकी मानी क्या है, लफ्जी और जो तकनीकी टेक्निकल जो मीनिंग है, किसी को गैर मामूली बनाने के लिए, मतलब ऐसी चीज नुमाया हो जो गैर मामूली है, और एजाज जो कहते हैं, जैसे कि मोसे को कहा जाता है एजाज अरबी में, ठीक है। एजाज का मतलब ये है कि इसके दावे की सच्चाई को साबित करने के लिए फितरत के कवानीन से बाहर निकल कर ऐसी एक ऐसा फेल साबित करने के लिए आजाद का एक फर्द का दावा हो, जो मतलब कुछ लोग जो कि मतलब मोसा ऐसा है कि नेचर से हट के हुआ, ठीक है। उसके बाद जो कुछ शरायत है मोजे के लिए, इलाही तकर्रुरी का दावा होना चाहिए, और वजह से नुक्ते नजर के से मुमकिन है, मजहब के नुक्ते नजर से दावा के मुताबिक, और गैर तालीम यानी कि जो मोजा दे मोजा प्रेजेंट कर रहा है उसको किसी ने वो सिखाया ना हो, बेसिकली ये तो रिव्यू है उसका, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि
जैसे अतल की बात हुई है तो ये एक स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मुस्लिम स्कूल्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे कि मोजर की रोल ऑफ इंटरेक्ट इन लिटरेचर मेडिकल, मुझे को जो है ना साबित करने के लिए जो अकल का जो रोल है हम उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अकल नेकी और बदी, जवाब ये कि नेकी और गुना से है जो हसन अकल है, अकली है, ठीक है ना। अमेरिकन वैरिटी इज एन एविडेंस ऑफ वर्सिटी ऑफ क्लाइमेट टू प्रॉफिट वुड डिपेंड ऑन द assumption of the intellect is proficient in distinguishing good from evil. नबूत के बाद से पेशगोई के दावे के सबूत के तौर पर मोसे की तौसीह उस पर मुनसर है, और अकल से निमटने की अकल है, यह उसकी डेफिनेशन है। इस तरह में डिफरेंट व्यूज हैं, शिया के क्या व्यूज हैं और सुन्नत के क्या व्यूज हैं। इस तरह है कि जो इंसानी जैसे कि शिया के हमारे से ह्यूमन इंटेलेक्ट के इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन गुडनेस और विकेडनेस और विकेडनेस ऑफ सम एक्शंस, सो द इंटेलेक्ट इज एबल टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम एविल। जैसे हम क्या लोग कहते हैं कि इंटेलेक्ट ना वो काफी है, वो मतलब जान सकता है को। इंसानी अकल आजादा तौर पर कुछ कामों के नेकी का बदकारी का तयन कर सकता है, लिहाजा अकल बराए बुराई से अच्छा फर्क करने में कामयाब है, मतलब डेफिनेशन है। सुन्नी जो अशारे थे उसके हवाले से ये तो बहुत बड़ी बहस है इनके हवाले से, लेकिन उसको शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे बताएंगे। अशारे जो है वो कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग द क्राइटेरिया ऑफ पनिशमेंट और रिवॉर्ड ऑफ एक्शन मस्ट बी क्लियरली बाय गॉड थ्रू द स्केयर लॉ, मतलब पर्सपेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी एक स्टोरी है, जैसे आप लोगों को पता है पहलवान जो है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक दफा इमाम अबी हनीफा जो है ना आप लोगों को कुछ बता रहे थे अपने शागिर्दों को, तो जो है वो कुछ ये बता रहे थे कि जैसे कि शैतान आग से बना हुआ है उसको जो है ना आग को कैसे जलाएगी, इस तरह एक वो अपने शागिर्दों को जो है ना बता रहे थे। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने लोगों को खल किया है, ठीक है, और अल्लाह ताला ही लोगों को जो है ना लोगों से चीजें करवाता है, ये बता रहे। यहाँ पर जो है ना बहलोल आ गए, बहलोल को ये बात जो है ना समझानी थी उनको, इस तरह बहलोल ने हमको जो है ना एक पत्थर उठा के मारा, ठीक है, आपने लोगों ने वाक्य सुना हुआ है। इस तरह ये वाक्य चलता है तो उसकी शादी ना के उनको बड़े उनको जो है ना रोकने के लिए, तो ये वाक्य जाके हारून की बारह बारह जाता है, काफी दरबार जाता है, और ये जो है ना उसको कहते हैं आपने इसको क्यों मारा, ये कह रहे हैं कि देखें ये उनको अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ही बंदों से चीजें करवाता है, ठीक है, और मैंने नहीं मारा, अल्लाह नहीं मारा होगा, ये आप लोगों ने सुना होगा किस्सा, ठीक है ना। बच्चों के लिए थोड़ी सी वजाहत जी, बच्चे भी बैठे, इसी तरह वो बता रहे थे कि जो भी चीजें हैं अल्लाह उसको करवाता है, नौजबिल्ला हमें कोई डिसीजन नहीं है, हम अपने जो है ना तरफ से कुछ नहीं करते। इसी तरह कह रहे थे कि शैतान तो आग का बना हुआ है, आप आग किस जलाएगी, ठीक है ना,
कृषि को घुमा दिया। इसी तरह जो है ना, हारून ने कहा, बाकी तुमने ये कहा था, तो ठीक है ना, इसी तरह किस्सा चलता है। बहलोल ने कहा, अगर अल्लाह चीजें करवाते तो अल्लाह से हिसाब ले, मैंने तो नहीं मारा। इसी तरह जो है ना, ये कहानी मतलब हमारे अकल अकल से काम लेने के लिए है ना, समझने के लिए काफी है। तो मतलब ये कहानी समझाती है कि अकल लाजमी है, अकल से काम लेना जरूरी है। कि जो चीज हमें आ रही है, हमारे सामने प्रेजेंट हो रही है, क्या वो बिल्कुल सही है, अकल के काबिल है। इसी तरह जो हमने आयत सेम की थी, तो आज हम उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। तो ये आयत है सूरे सूरे ताहा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह है, इसका जो है ना तर्जमा इस तरह है कि सूरह तौहा, इरशाद हुआ तो मूसा उसे जमीन पर डाल दो, अल्लाह कह रहे हैं मूसा को, ठीक है। और अब जो मूसा ने डाल दिया तो क्या देखा, वो सांप बनकर दौड़ रहा है। तो हुआ कि उसे ले लो और वो और डरो नहीं कि हम अनकरीब उसे उसकी पराई पुरानी असल की तरफ पलटा देंगे। ठीक है, ये तर्जुमा है उसका। और आयत नंबर 22, और अपने हाथ को समेट कर बगल में कर लो, ये बगैर बीमारी के सफेद होकर निकलेगा, ये हमारी दूसरी निशानी होगी। ठीक है, ये सूरह ताहा। आगे है 69 आया। हमने कहा कि मूसा डरो नहीं, तुम बहरहाल रहने वाले हो, तो जो कुछ तुम्हारे हाथ में है उसे डाल दो, उनके सारे किए धरे को चुन लेगा। जो कुछ किया है वो सिर्फ जादूगर की चाल है, और बस जादूगर जहां भी चाहे कभी कामयाब नहीं हो सकता। और उसके बाद है, ये देखकर सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े और आवाज दी कि मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाए। ठीक है भाई, ये मूसा था अल्लाह ताला ने, तो लोगों को हिदायत देने के लिए अल्लाह ताला ने ये मूसा दिया था। क्योंकि अकल अकल से है ना, जैसे कि जादूगर थे, हम लोगों को पता था। फिर मूसा ने असा को फेंका तो असा अजदे बन गया। ठीक है, एक मूसा है, तो इसकी जो तफसीर है नमूना में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस किस्से का बयान है। इसमें शक नहीं कि अंबिया को अपना खुदा के साथ रब साबित करने के लिए मूसे की जरूरत है, वरना हर शख्स पैगंबरी का दावा कर सकता है। इसलिए मूसा, जैसे हमने कहा कि बियॉन्ड ह्यूमन जो है ना इंटेलेक्ट की सोच के सोच से हटके, लेकिन हमें जानने के लिए अकल का इस्तेमाल जरूरी है। इस तरह पर सच्चे अंबिया का झूठों से इंजाज मूसे के अलावा नहीं हो सकता। ये एक कमेंट्री है जो कि नतसे नमूना में है। ठीक है ना, ये मूसा खुद पैगंबर की दावत के मुताबिक और आसमानी किताब के अंदर भी हो सकता है, और इसी तरह इसकी जो है डिटेल अलावा इसी मौजा खुद के अंदर की रूह पर भी असरअंदाज होता है, और उसे कुदरत कल कुदरत ईमान और इस्तकामत बख्शता है।
ऊषा का फरमान नबूवत मिलने के बाद उसकी सनद भी मिलनी चाहिए, यानी कि नबी है तो किस तरह पता चले लोगों को, ठीक है। इसी तरह जब ऊषा ने दो अजीम मौजे खुदा से हासिल किए, इस माजरे को इस तरह बयान करता है, खुदा ने ऊषा से सवाल किया, ए ऊषा ये तेरे दाएं हाथ में क्या है, यानी कि खुदा सवाल कर रहा है। उस वक्त तूफानी लहरें मौजे थी, ऐसे भी ये सवाल एक नानिकल के लिए अभी था और एक अजीम हकीकत को बयान करने के लिए तभी भी था। इसी तरह अल्लाह से पूछ रहे मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, पता नहीं इस तरह पूछ रहा है अल्लाह से, तो मूसा अचानक घबरा जाता है, छोटा सा सवाल है अल्लाह मेरे हाथ में तो क्या करते और जो है उसको क्या बताऊं, पूछ रहा है। इससे मैं कभी जो है ना पकड़ों के लिए पत्ती तोड़ने के लिए काम आती है, कभी टीका लगाने के लिए काम आती है, इस तरह अल्लाह तला से पूछ रहा है। तफसीर है नमूना में इसको और भी जो है ना ये हमने जो है ना यहाँ पे कुछ मुद्दे को हाईलाइट किया था, जैसे कि वक्फ की वक्फ जो है ना वजन पड़ है निगलने की मानी है, यानी कि ये जो हमने हाईलाइट किया था यहाँ पे, लेकिन राग मरवात में ये कहता है कि ये लफ्ज असल में इस चीज की उपहार के साथ पकड़ने की मानी है, ठीक है ना। इसी तरह एक वर्ड हाईलाइट किया था साहिर, ये पहली मरतबा नकरों की शक्ल में है और बाद में इसमें मार्फत की सूरत में है, तो ये आप जो है इसकी डिटेल है जो कि हमने कुरान की आयत में से इसको हाईलाइट किया था। इसी तरह ये खूबसूरत सी बात है कि आजकल सर्कसों में ऐसी नुमाइशें दिखाई जाती हैं जो कि गुज़िश्ता जमाने के जादूगरों के जादू की मुशाबिया हैं, और इसी तरह जो है ना और आईने तबियती और कीमियाई अजसाम की खवास और रोशनी की चमक से कई तरह से इस्तफादा करते हुए अजीब और गरीब मंजर पेश किए जाते हैं, जिन्हें देखकर बस होगा देखने वालों के मुंह खुले। इससे बंदे को देखना चाहिए कि जो बताने वाला है, जो चीज प्रेजेंट कर रहा है, क्या वो जो है ना एक्सेप्टेबल है या नहीं, ठीक है ना। तो इसकी मजीद इसको जो है ना बयान किया है यहाँ पे। काबिल तवज्जो नुक्ता यह है कि जादू इस्लाम में ममनू और गुनाह ने कभी रखा, क्योंकि बहुत से मुल्कों में लोगों के गुमराह होने, हकायक की तहरीफ करने और सादा लोग अफराद के अकायद की बुनियाद को मुतजलजल करने का बायस होता है, जैसे कि जादू। अलबत्त इसने इस्लामी हुकूम में बहुत से दूसरे अहकाम की मानद इस्तिस्नाई सूरतें भी हैं, तो मुजम्मिला उनकी नबूवत का झूठा दावा करने वाले के दावा को बातिल करने के लिए या जादू के असर को उन लोगों से दूर करने के लिए जो उसमें तकलीफ उठा रहे हैं जादू का सीखना वगैरह, ठीक है। तो इसी तरह जो मूसा का मौजा था बहुत मतलब डिटेल से बेस्ट मिरेकल्स हैं, मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये सूरह इसरा में जो है ना प्रॉफिट के जो मेराज का मौजा है यहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آپ کو پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا, جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اس سے اپنی بس نشانیاں دکھلائیں. ایسے وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ معراج کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو اسرا جو اسرا ہے فرام مکہ ٹو جیروسلم اور معراج فرام جیروسلم ٹو اسکائی ٹو مکہ. دیکھ رہے ہیں اسنیپ شاٹ ہے, مسجد الاقصیٰ اور یہ قبۃ الصخرۃ. یہ ہے قبۃ الصخرۃ اور صخرۃ الصخرۃ المقدس. معراج پہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پہ, جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ جو ایشو چل رہا ہے جیروسلم کا, جو کہ جہاں پہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے, اس کو جو ہے نا بغیر کسی جواز کے اسرائیل کو دے دینا, یہ ایشو چل رہا ہے. اور ہم کئی جو ہے نا جیسے کہ ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے, کچھ کہا ہم سے پوچھنے تک بھی نہیں ہے. اتنے سالوں سے ریلیاں نکلتی ہیں یوم القدس کے لیے, اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس کو اسرائیل کے حوالے کرنا ایک بہت بڑا آدمی آ رہا ہے, اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. سے جو مرزا سے جو ایک خلاصہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ موزے وہ ہیں جو اپنے وقت کے سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے فنکاروں سے ملتے جلتے ہیں, جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے اپنی فیلڈ میں. تو وہ مرزا لے کے آتے ہیں جو پیغمبر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے. اسی طرح اللہ نے موسیٰ کو, جب خدا نے موسیٰ کو بھیجا تو اس وقت کے لوگوں میں کیا کیا مطلب عام تھا, جادو عام تھا نا. ٹھیک ہے, اسی طرح خدا نے انہوں نے خدا سے ان چیزوں کو وہ چیز لائی جو کہ اس دور کے حساب سے ضروری تھی. جس طرح موسیٰ کو بھی پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا سب ایک دو, تو ایک اسدہ بن گیا جو کہ جادوگروں کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھا. اسی طرح تو اللہ تعالیٰ ایسے موزے نبی کو دیتا ہے جو اس دور کے حساب سے بالکل ضروری ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے خدا نے اس یسوع کو بھیجا, مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, جو جب یہ دہنی بیماری مسیح پھیل گئی تھی, عیسیٰ تو کون سے مجھے دیے تھے اس ٹائم پہ جو ہے نا, جو جس کی ضرورت تھی, بیمار لوگ بہت تھے اور جو ہے نا ڈاکٹرائن بہت تھی. تو خدا نے اسی طرح جو ہے نا خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, تو اس کی آیات اور اس ٹائم پہ جو ہے نا شعر کا بہت زیادہ رجحان تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک موضوع دیا. ٹھیک ہے, تو آف کورس ہولی پروفٹ پرفارم ادر میریکلز ٹو, قرآن کے علاوہ جو موضوع تھے چاند کو دو ٹکڑے کرنا اور جو ہے نا, اسی طرح قرآن ان کا بہت بڑا میریکل ہے اور اسپیکنگ اسپیرنٹ. ٹھیک ہے نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع ہے قرآن سب سے زیادہ.
ये उसका खुलासा है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप किसी को ज्यादा रेफरेंस चाहिए तो यहाँ पे ये रेफरेंसेस हैं, और ज्यादा ज्यादा इसकी डिटेल जो है ना तफसीर नमूना में इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। तो जल्दी जल्दी से जो इस प्रेजेंटेशन में जो मुझे टेकअवे पॉइंट्स मिलते हैं वो ये है कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करना, नमाज अदा करना, वाले इज्जत वगैरह वगैरह, और इसी तरह हर रोज कुछ गौर और फिक्र के लिए निकालना, जैसे कि दिन कैसे गुजारना, और कुरान की तिलावत करना, और अपनी फैमिली के दरमियान जो है ना डिस्कस करना, कम से कम रोजाना एक बहुत बड़ा गुजरा जो हमारे दरमियान है, तो अरबी का जिक्र है जिसके बिना पे हम लोग जाने जाते हैं, तो ये कुरान है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये टेक अवे पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग शेयर भी कर सकते हैं जो आपको नजर आ रहा है, और अगर थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बनाया था और इसको उस तरीके से बयान कर नहीं पाए। इसी तरह हम यहाँ पे इसको जो है ना ये प्रेजेंटेशन ये लेक्चर खत्म होगा, आप अपना जो है ना शेयर कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम।